माता की जय। अरे जरा जोर से बोलिए, लखनऊ में मालूम पड़ना चाहिए पाल वाकेल इकट्ठा हुए हैं। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जिम्मा जिनके सर पर पार्टी ने दिया है, ऐसे श्रीमान ओम जी माथुर जी, भारत सरकार के मंत्री श्री रमाशंकर कठेरिया जी, एटा के सांसद राजू भैया, हाथरस के सांसद श्री राजेश दिवाकर जी, अलीगढ़ के सांसद श्री सतीश गौतम जी, और आज एक कार्यक्रम जो आयोजित किया है उसके उत्सव मूर्ति प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, और आज इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित बघेल समाज के, पाल समाज के भाइयों और बहनों, बहुत लंबी बात नहीं करनी है क्योंकि मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप दिल से सुनेंगे, दिल की बातें लंबी बात नहीं होती है। जब एसपी सिंह बघेल बोलते थे, उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, मैंने सच ही कहा था, क्योंकि आज देश की गद्दी पर एक पिछड़े समाज का बेटा अगर बैठा है, गरीब का बेटा अगर बैठा है, तो उत्तर प्रदेश के 73 सांसदों के समर्थन से बैठा है। उत्तर प्रदेश अगर 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर दिल्ली न भेजता तो पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती। मित्रों, आज जब हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई एक ऐसा नाम है जो आज ही नहीं अभी सैकड़ों सालों तक राज्यकर्ताओं के लिए आदर्श बनकर रह जाएगा। पूरा देश जब विध्वंस के आतंक से आतंकित था, हर जगह पर धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया जाता था, सांस्कृतिक स्थानों को तोड़ दिया जाता था, उस वक्त कोई लंबे भाषण करे मगर राजमाता अहिल्याबाई ने विनाश के सामने पुनर्निर्माण की एक नई संस्कृति खड़ी की, और देश भर में विनाश करने वालों ने जहां जहां विनाश किया था वहां एक शब्द बोले बगैर पुनर्निर्माण कर संस्कृति को और धर्म को बचाने का काम अहिल्याबाई ने किया। और मुझे बहुत उससे भी बड़ी एक बात है कि एक सामान्य धनिकर परिवार से आकर उन्होंने पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक, इस समूचे देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर लोक माता का स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ी बात है। जहां पर भी जाते हैं, गया में जाएंगे और पूछेंगे मंदिर किसने बनाया, तो कहते हैं अहिल्याबाई ने बनाया। गुजरात में जाएंगे, सोमनाथ का पुनर्निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो अहिल्याबाई ने किया। काशी विश्वनाथ को सोने की परतें बनाकर फिर से बनाने का काम किसने किया, तो अहिल्याबाई ने किया। काशी के घाटों का पुनरुद्धार किसने किया, तो अहिल्याबाई ने किया। एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां विनाश करने वालों ने विनाश किया था, वहां अहिल्याबाई ने पुनर्निर्माण किया। इतनी धर्म भावना होने के साथ साथ ही एक कुशल प्रशासक
और लोक रंजन करने वाले शासक भी अहल्या बाई, और उसी के कारण इतने सालों के बाद भी न केवल पाल बघेल धनगर समाज, पूरा देश उनको आदर के साथ प्रातस्मरणीय कहकर प्रातस्मरण के वक्त अहल्या बाई को याद करता है। मित्रों, अहल्या बाई का जीवन और अहल्या बाई का काम एक धनगर पार बघेल समाज की देश को सबसे बड़ी भेंट है और देश सालों सालों तक उसको याद करेगा। आज जब आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, आपकी चुनी हुई सरकार दिल्ली में बैठी है और मोदी जी आपके प्रतिनिधि के नाते जब दिल्ली में काम कर रहे, तब मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में आपको जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे करने के लिए एक साल के अंदर बहुत ठोस काम किया है। हमने कहा था कि अगर हम चुन कर आते हैं तो हमारे काम के मध्य बिंदु में, केंद्र बिंदु में इस देश का गरीब होगा, इस देश का पिछड़ा होगा। और मोदी जी की सरकार बनते ही लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो घोषणा करी उसमें सबसे पहली घोषणा करी कि इस देश में 68 साल तक जिन लोगों ने शासन किया उसमें 60 साल तक ये गांधी नेहरू परिवार ने शासन किया। इन्होंने गरीबों की बात तो की मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, और उसी का कारण था कि देश के 60 करोड़ लोगों के साथ आज 68 साल के बाद भी परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। उन्होंने जनधन योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा देश के हर गरीब, हर पिछड़े के परिवार में एक बैंक अकाउंट खुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मित्रों, 11 महीने के अंदर 14 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक अकाउंट खुलाने का काम समाप्त कर दिया गया है। उसके पास विकास पहुंचाने का रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोल दिया है। और अब जो 14 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं, वो 14 करोड़ बैंक अकाउंट धारकों को सिर्फ 12 रुपये में एक्सीडेंट बीमा और 300 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपये का देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आज कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुछ नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, पिछड़े समाज के लोगों के बीच में, गरीब समाज के लोगों के बीच में, और 12 रुपया और 330 रुपये का प्रीमियम भरकर वो परिवार को 4 लाख रुपये का इंश्योरेंस से सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है। मित्रों, हमने कहा था कि अगर हम शासन में आते हैं तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। महंगाई की सबसे ज्यादा मुसीबत किसी पर पड़ती है तो गरीब पर पड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में 7% पर जो महंगाई रहती थी उसको -2.33 पर पहुंचा दिया है। ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार। आप मुझे बताइए, कोई मोटरसाइकिल लेकर अगर एक लड़का जाता है तो पेट्रोल के दाम कम हुए या नहीं हुए बताइए? हुए या नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए या नहीं हुए? महंगाई को काबू में करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक तीसरी योजना नरेंद्र भाई इस देश के पिछड़े और गरीब के लिए लेकर आए। इंदिरा गांधी जी ने जब बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया तब वो कहती थी कि मैंने बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए हैं, मगर किसी गरीब को बैंकों से कभी ऋण प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मुद्रा बैंक की योजना लेकर आई है। वो योजना के तहत जिसको 10,000 रुपया चाहिए उसको भी मिलेगा, 20,000 चाहिए उसको भी मिलेगा, 10,00,000 चाहिए उसको भी मिलेगा। अगर एक गरीब दुकान, एक गरीब बच्चे को गांव में नाई की दुकान खोलनी है तो उसको 25,000 रुपए की लोन भारत सरकार की ओर से मिलेगी। धनगर समाज के, पाल बघेल समाज के एक युवा ने अगर छोटी सी डेयरी खोलनी है गांव में तो उसको 2,00,000 की लोन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा और कोई सीमा नहीं रखी। जितने युवा अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं वो सभी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहायता करने के लिए ये मुद्रा बैंक की योजना लेकर आई है। कि मित्रों इसलिए होता है कि आप सबके आशीर्वाद से देश के सिंहासन पर एक गरीब का बेटा बैठा है, चाय बेचने वाला लड़का इस देश का प्रधानमंत्री बैठा है, इसलिए गरीब के लिए योजनाएं बनकर लोगों के बीच में आ रहे हैं। मित्रों देश का अगर विकास करना है, मोदी जी चाहते हैं कि देश का विकास हो, मगर देश का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश के विकास के सिवा ये संभव नहीं। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता इस देश का विकास संभव नहीं है, और जब तक उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज आगे नहीं आता उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसलिए अगर देश का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज को आगे लाना होगा, उसकी सहायता करनी होगी। मगर मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, पिछड़ों की राजनीति कर राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले लोग कभी पिछड़ों के लिए कुछ काम नहीं किया। अगर काम किया तो अपने परिवार के लिए काम किया, पिछड़े तो बिचारे पिछड़े के पिछड़े रह गए। ना कांग्रेस करेगी, ना सपा करेगी, ना बसपा करेगी। अगर पिछड़े समाज को आगे लाने का काम कोई एक पार्टी कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि वो परिवार के आधार पर नहीं चलती है। एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के प्रधानमंत्री पद पर एक पिछड़े घर के बच्चे को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। एक ही ऐसी पार्टी है जिसने 10 में से 5 मुख्यमंत्री पिछड़े और आदिवासी समाज के बनाए हैं। एक ही ऐसी पार्टी ये तो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में ही उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमने प्रयास किया था कि हर समाज को आरक्षण का लाभ मिले, हमने प्रयास किया था हर समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए एक कोटा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था जिसको बाद में निरस्त कर दिया। पिछड़े समाज में भी जो अति पिछड़े हैं उनको आगे आने का मौका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर ही हो सकता है। मित्रों वाजपेयी जी ने बात की है किसान की, मैं आज इस मंच पर से भाई अखिलेश को कहना चाहता हूं कि किसानों के फायदे के लिए जब किसान मुश्किल में है, उसकी जान पर बनाई है, तब राजनीति मत कीजिए। केंद्र ने जो पैसा भेजा है वो किसानों तक पहुंचा दीजिए। राजनीति करने के कई मुद्दे हैं, जब किसान आत्महत्या करता है तब राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मुआवजे को 1.5 गुना किया, फायदा प्राप्त करने की पात्रता को आधे से कम कर दिया, मतलब 50% नुकसान की जगह 30% नुकसान भी अगर होता है तो फायदा मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मगर यूपी में फिर से सर्वे नहीं होते, सर्वे करने के लिए पटवारी
खेत में नहीं जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं भेजा। मुलायम जी, अखिलेश जी किसानों की बात तो बहुत करते हैं, मेरा एक ही कहना है कि जितना पैसा भारत सरकार ने भेजा है वो किसान के खाते में डाल दीजिए, किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना पैसा मोदी जी ने वहां से भेजा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर से ये भ्रष्टाचारी और अन्यायी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए कृतनिश्चयी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां जो पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वह संकल्प लेकर जाए कि पिछड़े वर्ग के लोगों पर दमन करने वाली ये सरकार, राजकीय विरोधियों पर दमन करने वाली ये सरकार और दमन के सहारे आवाज दबाने का प्रयास करने वाली ये सरकार आप लोग इकट्ठा मिलकर उखाड़ कर फेंक देंगे। तो एक बार ये जो डेढ़ साल बाकी है वो डेढ़ साल के अंदर फैल जाइए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मोदी जी का संदेश लेकर, मोदी जी ने बनाई हुई योजनाओं को लेकर और मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए तय किया है उसका संदेश लेकर उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से निजात पाने के लिए राह देख कर बैठ रही है। और मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत हो गया ये बाप बेटे का राज, बसपा को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया, अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज को आगे लाने का काम करेगी। मित्रों, आज भाई एसपी सिंह वाघेल के आह्वान पर आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए हैं और आप सब ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी की ओर से आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार केवल और केवल गांव, गरीब और किसान को ध्यान में रखकर चलने वाली सरकार है। भरोसा रखिएगा, जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाकर ही छोड़ेगी, इतना भरोसा रखिएगा। आज आप सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया है इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे